बिग बैंक्स और एजेंट्स के थ्रू जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें कमीशन भी इन्वॉल्व होता है, बट ग्रो पे नो कमीशन। जब इन्वेस्ट करना हो तो डाउनलोड ग्रो। द लल्लनटॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप द लल्लनटॉप देख रहे हैं। मुंबई में एक परिवार है, इसमें 3.5 साल का बच्चा है जो ऑटिस्टिक है, यानी उसे दूसरे लोगों से बात करने में परेशानी होती है। साथ ही बच्चे को गाय, बकरी और भैंस के दूध से एलर्जी है, वह केवल ऊंटनी का ही दूध पीता है। लेकिन कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन है, इस वजह से परिवार के पास दूध खत्म हो गया। अब दूध कहां से आए? ऐसे समय में ट्विटर के जरिए मदद की कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। इसमें रेलवे भी परिवार की मदद के लिए आगे आया। रेलवे राजस्थान के फालना शहर से 20 लीटर दूध और 20 किलो पाउडर लेकर मुंबई पहुंचा और परिवार तक पहुंचाया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बच्चे का परिवार मुंबई के चेंबूर इलाके में रहता है। बच्चे की मां नेहा ने दूध के लिए 4 अप्रैल को ट्वीट किया था। इसमें उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भी टैग किया था और लिखा था, सर मेरा 3.5 साल का बच्चा है, उसे ऑटिज्म है, साथ ही खाने पीने से एलर्जी भी है, वह ऊंटनी का दूध और ताले ही खाता है। मेरे पास इतना दूध नहीं है कि वह पूरे लॉकडाउन में चल पाए, मुझे राजस्थान के सादरी से ऊंटनी का दूध या दूध पाउडर दिलाने में मदद करें। इसके बाद कई लोगों ने उनके ट्वीट पर जवाब दिया। ओडिशा कैडर के IPS अधिकारी अरुण बोथरा ने भी नेहा को जवाब दिया। उन्होंने नेहा से जानकारी ली, फिर बोथरा ने आधविक फूड से संपर्क किया। यह कंपनी राजस्थान में है और ऊंटनी के दूध की सप्लाई करती है। कंपनी ने बच्चे के लिए दूध देने के लिए हामी भर दी, लेकिन बात फिर ये थी कि ये दूध मुंबई पहुंचेगा कैसे लॉकडाउन के दौरान। ऐसे में बोथरा ने रेलवे से मदद मांगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ पैसेंजर ट्रैफिक मैनेजर तरुण जैन ने PTI को बताया। बोथरा ने ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। मैंने अजमेर में सीनियर DCM महेश चंद जेवलिया से बात की। हमने फैसला किया कि लुधियाना से बांद्रा जा रही पार्सल ट्रेन को फालना स्टेशन पर रोका जाएगा। हालांकि ट्रेन का वहां पर कोई स्टॉपेज नहीं है, फालना से दूध लेकर इसे मुंबई में डिलीवर कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि परमिशन मिलने के बाद ट्रेन को फालना स्टेशन पर रोका गया, इसके बाद महिला तक दूध पहुंचाया गया। बोथरा ने रेलवे की मदद के बारे में ट्वीट किया। इसमें उन्होंने लिखा, कल रात ट्रेन से 20 लीटर ऊंटनी का दूध मुंबई पहुंचा। परिवार ने शहर के दूसरे जरूरतमंद परिवार के साथ इसे शेयर किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के तरुण जैन का शुक्रिया, जिन्होंने दूध के कंटेनर के लिए ट्रेन के ठहरने की व्यवस्था की। ये स्टोरी की थी हमारे साथी शक्ति ने। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम, और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए द लल्लनटॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त द लल्लनटॉप।